पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल से अर्पण का सवाल लेंगे। अर्पण नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है या फिर किस शेयर पर आपको सलाह चाहिए? सर, मुझे पहली बात तो पावर सेक्टर में बहुत रुचि है, शेयर जी मार्केट के लिए, कि बिकॉज ये उज्जवल भविष्य है इसमें। तो सर, मुझे यही जानना था कि किस कंपनी में मैं मिनिमम 50 शेयर ले लूं कि प्रॉफिट में रन कर सकूं सर। ठीक है, रवि रवि ही मदद करेंगे। रवि का मतलब सूर्य भी होता है, पावर वाला उन्हें भी मान सकते हैं आप। रवि बताइए, पावर सेक्टर में निवेश करना है और हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग आ रही है लोअर लेवल से। काफ़ी हमने 6-8 महीने का एक थोड़ा सा सुस्ती वाला दौर देखा, अब स्टॉक्स थोड़े से रिकवरी कोशिश दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से अगर इनको 50 शेयर लेने हो तो कौन सा शेयर आप सजेस्ट करेंगे? अभिषेक जी, पावर एक सेक्टर, और खास तौर से आगे जिस हिसाब से वेदर की रिपोर्ट आई है उसमें आगे एनर्जी का यूजेस बढ़ने वाला है, और पावर सेक्टर की डिमांड तो यहाँ पर अभी कंटिन्यू आने वाले 5 सालों तक जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसे में स्टॉक्स, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो पावर के लगभग 15 से 20 स्टॉक हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत वोलेटाइल हैं। तो मैं स्टेबल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मुझे दो स्टॉक्स यहाँ पर काफी अच्छे लग रहे हैं, एक है एनटीपीसी और दूसरा है टाटा पावर। तो मैं ये नहीं कहूंगा, अगर आपको 50 स्टॉक लेना है तो आप कोशिश करें दोनों में ले लें, क्योंकि दोनों कंपनियां बेहतर हैं। टाटा पावर 210 रुपये चल रहा है और 255 रुपये तक का लक्ष्य दिखा सकता है। एनटीपीसी की बात करें तो आपको 175 चल रहा है और यहाँ से 220 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं, च्वाइस है, आप चाहे तो 50-50% लें और चाहे तो आप एक कोई स्टॉक लेना है तो आप इसमें चूज कर सकते हैं। ये आपको बेहतर रिटर्न देंगे, डिविडेंड भी अच्छे देते हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक्स जो है वो सभी नंबर्स को हिट करता है और आपके लिए काफी अच्छा है। हम्म,